तो ऐसी माँ सरस्वती के श्री चरणों में अपने मधुर कंठ से शब्दों के सुमन अर्पित करने के लिए उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर मेरठ से हमारे बीच में पधारी हुई डॉक्टर अनामिका अंबर को आपके बीच में लाना चाहता हूँ। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें और वो माँ भारती की वंदना करें। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मंच पर आसीन सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ। महादेव शिव शंकर जी के चरणों में नमन निवेदित करती हूँ। माँ वीणा पाणी से ये अनुमति लें, उनका आवाहन करें और उनसे ये अनुमति लें कि ये कार्यक्रम हम प्रारंभ कर सकें। उनकी वंदना के लिए मुझे आदेश किया गया है। मैं आज एक थोड़ा सा छोटा सा बदलाव करूंगी। माँ वीणा पाणी के चरणों में चार पंक्तियां शब्द सुमन अर्पित करके मैं महादेव की वंदना करना चाहूंगी। मेरा मन है और उनसे भी वो मूर्ति उनकी विराजमान है, उनसे भी अनुमति लें कि ये कार्यक्रम हम प्रारंभ कर सकें, इसे सुचारू रूप से चला सकें। सर्वप्रथम चार पंक्तियाँ माँ वाणी के चरणों में रखती हूँ और अपनी वंदना प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। तेरी वीणा का मुझे तार अगर मिल जाए, तेरी वीणा का मुझे तार अगर मिल जाए, और फिर तार में झनकार अगर मिल जाए, और फिर तार में झनकार अगर मिल जाए, ये तो दरिया है समंदर भी पार कर लूँगी, ये तो दरिया है समंदर भी पार कर लूँगी, तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए, तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए। और मेरा मन है आप सभी की तालियों का साज मेरी वंदना में सम्मिलित हो। आइए हम प्रभु वंदना करें, अर्चना करें मिल करके। सुनिएगा। आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम, आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम, फिर देखो कैसे नहीं बनते सारे बिगड़े काम, आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम, फिर देखो कैसे नहीं बनते सारे बिगड़े काम। मेरा मन है आगे से पीछे तक जो लोग इस पूजा में सम्मिलित होना चाहते हैं अपनी तालियों का साज इस वंदना को दें और इस उत्सव को महोत्सव मेरे साथ बनाएं। मैं पुनः प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम, फिर देखो कैसे नहीं बनते सारे बिगड़े काम, ये तो है अनमोल नहीं है इनका कोई दाम, फिर देखो कैसे नहीं बनते सारे बिगड़े काम, फिर देखो कैसे नहीं बनते सारे बिगड़े काम। ये है वो दरबार जहाँ पर सभी है एक समान, ये है वो दरबार जहाँ पर सभी है एक समान, ना तो कोई निर्धन है और ना ही कोई धनवान, ये है वो दरबार जहाँ पर सभी है एक समान, ना तो कोई निर्धन है और ना ही कोई धनवान, यहीं से है आगाज तेरा, यहीं से है आगाज तेरा, हाँ यहीं से है आगाज तेरा, यहीं पे है अंजाम, फिर देखो कैसे नहीं बनते सारे बिगड़े काम, फिर देखो कैसे नहीं बनते सारे बिगड़े काम। आप रोज प्रवचन सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्थाएं आपकी व्यवधाएं उससे मुक्ति आपको मिल रही होगी। मेरी ये छोटी सी बात यदि आपको निजात दे तो मेरे लिखने की सार्थकता होगी। सुनिएगा। छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना, छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना, हार गए तो जीतने की फिर से तैयारी करना, हार गए तो जीतने की फिर से तैयारी
कोशिश ही तो करती है, कोशिश ही तो करती है बाधाओं को नाकाम। फिर देखो कैसे नहीं बनते सारे बिगड़े काम। आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम। फिर देखो कैसे नहीं बनते सारे बिगड़े काम। ये तो है अनमोल, नहीं है इनका कोई दाम। फिर देखो कैसे नहीं बनते सारे बिगड़े काम। फिर देखो कैसे नहीं बनते सारे बिगड़े काम।